उनकी फेवर में तो कभी है ही नहीं। वो कैसे? देखिए, अगर आप दो बॉम्ब्स गिरा देते उनकी चलती हुई फैक्ट्रीज में, तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट वहीं पे रुक जाएगी। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। जंग की बात की जाए तो हमारी फौज माशाल्लाह काफी बहादुर है। क्या माटो उधर है सच्ची में? जंग जो है ना वो इकोनॉमी बेस्ड। अच्छा, तो हम इंपोर्ट बेस्ड वॉरियर्स हैं हमारे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। टैंक्स, जहाज, इनके पुर्जे बाहर से आते हैं। अच्छा, पेट्रोल बाहर से आता है। जो कंट्री की सिचुएशन है, अभी 15 घंटे भी जंग नहीं लड़ सकते ना। तो इस सिचुएशन को देखते हुए ये लोग सोच रहे हैं शायद वो हमसे जंग करेंगे, लेकिन उन लोगों के पास जंग करने की कोई रीजन है नहीं। तो गेम बचाना पड़ेगा, कोई डाउट नहीं है। तो और इंडिया को भी पता है कि जंग पाकिस्तान से करना मतलब कि मुमकिन ही नहीं है। अरे तू जा रही क्या? वो एक बस, वो भी अपने है? एक सियासी जो है ना उनका, वो कर रहे होते हैं अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। देखें, ये बुजदिली है कि अपने दुश्मन को अपने अपनी वक्त के टाइम अपने दुश्मन को अपने ऊपर हैवी करने का, ये बुजदिली है। ये लफाज ही गलत है कि हमें इंडिया से खतरा है, हमें इंडिया से ये है, ये हमें ऐसे अल्फाज बोलने ही नहीं चाहिए। इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, जंग करना हमारी फेवर में। चल झूठा। ओ जय हिंद दोस्तों, डीएसरे के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज जिस वीडियो को हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं वो है सनामजद का, जिनके वीडियो का टाइटल है इंडिया विल अटैक ऑन पाकिस्तान। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट कर लेना। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका नाम? नवीद इकबाल जी। सर, हमारी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये दावा पेश किया है, हमारे वजारत दफा ने, कि हमें इंडिया से ख़तरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे से मुकम्मल जंग ना कर ले। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरी हुई है, क्या कहेंगे आप? ये बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट्स गुजरी पिछले 5-7 साल में, हमारे पास चूँकि रेवेन्यू की प्रॉब्लम है, डॉलर का इशू है, और हमारी जंग जो है ना वो इकोनॉमी बेस्ड है। हम इम्पोर्ट बेस्ड वॉरियर्स हैं, हमारे टैंक्स, जहाज, इनके पुर्जे बाहर से आते हैं, पेट्रोल बाहर से आता है। जो कंट्री की सिचुएशन है, अभी हम 15 घंटे भी जंग नहीं लड़ सकते ना। तो इस सिचुएशन को देखते हुए ये लोग सोच रहे हैं कि शायद वो हमसे जंग करेंगे, लेकिन उन लोगों के पास जंग करने की कोई रीज़न है नहीं। कुछ जंग कर सकते हैं हमें इंगेज करने के लिए, कि हम इंगेज हो जाएं कि चाइनीज़ ट्रांजिट रुक जाए और इंडिया तरक्की कर जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो चाइना पीछे नहीं रहेगा, डेफिनेटली इन्वॉल्व हो जाएगा। और ये लोग नेक्स्ट टू चाइना है, इस सिचुएशन में इंडिया कभी भी जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन सर, इंडिया ने तो ना ऐसी कोई स्टेटमेंट दी, ना ऐसा कुछ कहा, हमारी गवर्नमेंट फिर इस तरह के दावे, इस तरह की रिपोर्ट्स क्यों पेश करी है सुप्रीम कोर्ट में? मेरा ख्याल है कि कुछ सीन क्रिएट कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान जो है जंग की तरफ चला जाए। अच्छा। इंडिया को जरूरत ही नहीं जंग करने की, अगर इंडिया जंग करता है उसका अपना लॉस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई हल्की कंट्री होते तो हमारे साथ जंग शुरू करके चाइना को इन्वॉल्व किया जा सकता था, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है कि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, जंग करना हमारी फेवर में, उनकी फेवर में तो कभी है ही नहीं। वो कैसे भी? देखिए, अगर आप दो बॉम्ब्स गिरा देते उनकी चलती हुई फैक्ट्रीज में, तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट वहीं पे रुक जाएगी। लोग कहेंगे कि जनाब यहाँ पे तो हालात ही ठीक नहीं है फर्दर। और इंडिया ऐसी सीन सोच भी नहीं सकता, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने जब उन्हें आंसर किया था 27 फरवरी को, हमने बताकर उनको अटैक किया था और हमारे अटैक को रोक भी नहीं सके थे। इसका मतलब हम कैपेबल कंट्री हैं, बेशक हम 2 जहाज ही भेजें, लेकिन अगर हमारा रिटेलिएशन हो गया तो इंडिया उसे स्टॉप नहीं कर सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी है नहीं। हाँ, वो हमने आगे तरक्की के मामले में बहुत अच्छा रेवेन्यू अच्छा जनरेट करें, ऐसे सीन में वो लड़ाई से दूर रहेगा। लेकिन सर, अगर हम बात करें आर्मी कंपैरिजन की, तो इंडिया की आर्मी का हजूम पाकिस्तान की आर्मी से 2 गुना ज़्यादा है या शायद इससे भी ज़्यादा होगा, और उनके पास हर तरह का वेपन है, यहाँ तक कि वो जो सुपरसोनिक मिसाइल हैं, ब्रह्मोस मिसाइल बना भी रहे हैं रूस की मदद के साथ, और दूसरी कंट्रीज उसमें उसे लेने में इंटरेस्ट भी शो कर रही हैं। आप ये अगर हम बात करें वेपन्स की, तो इंडिया वेपन्स में हमसे कई गुना आगे है। लेट्स अपडेट इंडियन, नो डाउट इंडियन डू हैव देयर ओन फैसिलिटीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग द वेपन्स, लेकिन पाकिस्तान का वेपन पेटेंट है। फॉर एग्जाम्पल, GF-17 थंडर लेबल्ड जहाज़ है, जिसने जहाज़ गिराए हुए, इंडिया के किसी जहाज़ ने आज तक कोई जहाज़ गिराया नहीं, इवन रफेल ने आज तक कोई नहीं गिराया हुआ। हमारी जो आर्टिलरी है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग, हम नो डाउट उनसे बहुत आगे हैं,
वी आर द एक्सपोर्टर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। हम मतलब हमें इंडिया से जंग करने के लिए जहाज खरीदने की जरूरत नहीं है, हम अपनी फैक्ट्रियों को ऑर्डर देंगे, जहाज बनेंगे, हम उड़ाएंगे। बट इंडिया फैक्ट्रियाँ मतलब कौन से जहाज पाकिस्तानी की फैक्ट्रियों में बन रहे हैं? पाकिस्तान इस वक्त एशियन लीडिंग जो कंपोनेंट्स हैं, GF-17 Thunder, दैट इज़ अ पाकिस्तानी प्रोडक्ट। और ये आपको पता है पिछली गवर्नमेंट ने यही तो एक काम किया है, एक एटम बम चला दी है, जिसकी वजह से आप लोग मतलब बचे हुए, वरना तो अब तक तो आप रौंदे जा चुके होते हैं अल्टीमेटली। अब देखिए, इंडियन ने हमें भेजे क्या, मिग भेजा, सुखोई भेजा, रशियन टॉप प्लेन्स हैं, अब उसको हमने ऐसी फजूल ऐसी गिरा दिया, मतलब उसके बाद उन्हें जरूरत ही नहीं हुई कि सेकंड अटैम्प्ट हमारे साथ कर सके। उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही फ्लॉप है, कौन सा जहाज़ है जो हमारे साथ आगे खड़ा होता है? अभी ये वेट करेंगे किसी दिन राफेल इधर आ जाए, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में GF-17 Thunder की बहुत मार्केट है, लेकिन अगर हम एक आध राफेल गिरा लेना तो फिर हम लीडिंग पे चले जाएंगे, फिर हमारा ग्लोबल बिजनेस बहुत बढ़ता है। तो हम वेट करेंगे, उनका जहाज़ है वो भेज नहीं रहे। सो दिस इज द सिचुएशन, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी। सर, हमने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी ही क्यों है जिसमें दोनों मुल्क का सिर्फ नुकसान हो? हम रिलेशन अच्छे करने की तरफ क्यों नहीं आते? हाँ, जंगों की तरफ मुझे अवॉइड करना चाहिए, हमें जंग के लिए अवॉइड करना चाहिए और दोस्ती का कदम बढ़ाना चाहिए। इस वक्त जो वॉर हो सकती है ना, मैं आपको जेन्युइन बताता हूँ, वो पाकिस्तान अटेम्प्ट कर सकते हैं इंडिया पे। अच्छा। क्योंकि थोड़ी सी इकोनॉमी इंडिया की राइज होनी है, चाइना ने कहना इसे रुको, चाइना ने मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, कश्मीर का कॉज लो और इधर वॉर छेड़ दो, ताकि इनकी जितनी इकोनॉमी है ना वो उस वक्त जैम हो जाए। दैट कैन बी थ्रेट टू इंडिया, नॉट टू पाकिस्तान। तो इंडिया अवॉइड करेगा। तो ये बस ऐसी सीन क्रिएट की है, खाम का में मतलब इन्हें पता भी है कि हमारे पास ऐसा ऐसा सिस्टम है, आप खुद भी जानती हैं, पिछली बार में जहाज़ भेज के अटैक बता के किया, उनसे रोका नहीं गया, तो इससे ज़्यादा फेलियर क्या हो सकता है? हमारे मियां चन्नू के मकाम पर ब्रामूज मिसाइल आकर गिर गया, काफ़ी देर तक हमारी जो एजेंसी थी हमारी ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकी कि ब्रामूज मिसाइल कब आया और कैसे आगे गिर गया। माय गुडनेस, अब इतनी मतलब आपको अवेयरनेस नहीं है, पहले 17 मिसाइल USA ने भेजे थे क्रूज, उसमें से 17 के 17 पाकिस्तान की बाउंड्रीज में गिर गए थे। हमने एक्नॉलेजमेंट इसलिए नहीं किया कि हम उसे ऑपरेट कर रहे थे। अगर आपका मिसाइल आपका जी हमें पता लग गया और आप उसे, अब इंडिया रो क्यों रहे? प्रॉब्लम इज़ दैट कि मिसाइल अगर गिरता है तो इमीडिएटली इंटरनेशनल जो पावर्स है वो कहेंगी जिनका मिसाइल वापस करें। हम देख रहे हैं इसके है कि है क्या, हमें क्या पता, पता नहीं चलता कि कब आए। अगर वो हमारी बाउंड्रीज तक नहीं पहुंच सकते उनके मिराजेस, उससे पहले हम अपनी बाउंड्रीज पर पहुंच जाते हैं, तो मिसाइल तो बड़ा सुकून से जनाब सैर करता हुआ आ रहा था। हमें देखना था, जैसे पिछली बार हमने क्रूज़ को ऑपरेट किया है और अब हमारे अपने क्रूजेज हैं, अब इनका ये ब्रह्मोस है, इसकी भी टेक्नोलॉजी थोड़े दिनों बाद आप देख लीजिएगा उनके ग्राउंड के लिए। ये सोच की बात है, पब्लिक कहती है वो हमें पता नहीं चला, हमें वाकई नहीं पता चला, हम पता लगाना चाहते नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम इंडिया के साथ दुश्मनी पाल के क्या कर लेंगे? 75 सालों से हमने इंडिया के साथ दुश्मनी पाली हुई है, इस दुश्मनी का कोई हासिल वसूल हुआ 75 सालों में हमें? एज सच तो नहीं हुआ, लेकिन ये कि दोनों कंट्री सुपर पावर्स बन गई हैं। दोनों नहीं, ये होते हैं आपके पैसिव बेनिफिट्स। इंडिया इंडिया क्यों बन रहा है? बिकॉज ही हैज़ अ डिफेंस, ही हैज़ अ पावर, ही हैज़ एटॉमिक वेपन्स, ये सारी चीज़ उसके पास क्यों है? क्योंकि उसे हमसे खतरा था। और हम चाइना को अपने ऊपर ओवररूल क्यों नहीं करने दे रहे? क्योंकि चाइना को भी पता कि ये कंट्री है, हम उसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं, अगर वो यहाँ पे डिस्कस भी नहीं करते। हमें ज़रूरत ये है, जैसे इब्रार आजकल इंडिया गया, हमें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने की ज़रूरत है लोगों को। हम आप बॉम्बे क्यों नहीं जा सकती हैं, वो लोग लाहौर क्यों नहीं आ सकते? वीज़ा पॉलिसी सॉफ्ट करें, बिजनेस एक्सचेंज, ट्रेड बढ़ाएं, दिस इज द सोल्यूशन। बट लेकिन वो डराड़ो नहीं सकते आपको, वो कैपेबल नहीं है। इंडिया की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, उन्होंने कुछ नहीं कहा, हमारी गवर्नमेंट ने अल्लाह जाने कहाँ से सुना और ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। देखिए, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है उस बात की कि आप इंटरव्यू कर रही है, हम सब बिजी हो गए, अब 10 दिन बिजी रहेंगे स्कूल में इस चक्कर में। बस यही तो गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्शंस की तो ध्यान ना दे, जंग की तरफ आ जाए। अल्लाह खैर सलाह। आरिफ, हमारी गवर्नमेंट ने ये दावा पेश किया है कि हमें खतरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे साथ मुकम्मल जंग ना कर दे, क्या कहेंगे आप? ये वजारत दफा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दावा पेश किया गया है। मिस, मेरे ख्याल से ये जो है ना, ये सब इनकी जो हुकूमत की है ना, ये ड्रामेबाजी है, ऐसा कोई चक्कर है नहीं। ये जान के बस जो हमारे ये इलेक्शन हो रहे हैं उनसे एक फरार होने का रास्ता देख रहे हैं, और ये इलेक्शन से वैसे ही भागने की मतलब एक प्लानिंग है इनकी, और कुछ भी नहीं है। इतने अगर ये सिंसियर होते तो कश्मीर के टॉपिक पे बात करते, हमारी इकोनॉमी को देखते और हमारे जॉबलेस जो हमारे भाई हैं उनको देखते, और जो हमारा गरीब तबका है उनके ऊपर इनका थोड़ा सा भी कोई फिक्र और कोई ऐसी सोच नहीं है कि इनके बारे में कुछ प्लानिंग की जाए या ऐसा कुछ।
मुझे ये बताएं कि क्या इंडिया के पास इतना टाइम है कि इंडिया इस वक्त जो है पूरी उसका सोच पूरा रुझान अपनी ग्रोथ की तरफ अपनी डेवलपमेंट की तरफ है, वो इन चीज़ों को छोड़कर हमें इस तरह के थ्रेट्स दे? हम तो ऑलरेडी अपना बेड़ा गर्क हमने खुद किया हुआ है, इंडिया ने हमें क्या धमकाना है? एक्चुअली जो इंडिया है ना वो एक ज़ाहिर है हमारी मुआशी कंडीशन देख के हुकूमती पॉलिसी देख के वो हमारे स्टेप ले रहा है। बाकी अगर हमारे जंग की बात की जाए तो हमारी फ़ौज माशाल्लाह काफ़ी बहादुर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो और इंडिया को भी पता है कि जंग पाकिस्तान से करना मतलब कि मुमकिन ही नहीं है। वो एक बस वो भी अपने एक सियासी जो है ना उनका वो कर रहे होते हैं, अपनी कार्रवाई कर रहे होते हैं। जंग करनी ही क्यों है? और जहाँ तक मुझे पता है इंडिया की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट कोई बयान सामने नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही है, असल में ये आपको भी सबको नज़र आ रहा है, मुझे क्या पूरे पाकिस्तान में जितने भी मेजॉरिटी के लोग हैं सबकी यही मतलब के ओपिनियन यही है कि मतलब ये लोग जो है इलेक्शन से भाग रहे हैं और बहुत किस्म के जो है ना सियासी हरबे अपने इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन से भागने के। और जो अवाम का मैंडेट है मतलब के जो अवाम की राय खुद इख्तियार मतलब के अवाम अपना देना चाहती है उससे ही अवाम से मतलब भाग रहे हैं, वो इलेक्शन से भाग रहे हैं और ये इनकी सारी पॉलिसी है और कोई चक्कर नहीं है, कोई जंग वाले सीन नहीं है। आपको लगता है कि अगर अल्लाह ना करे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात ख़राब होते हैं या जंग की सूरत हाल पैदा होती है तो पाकिस्तान इस सूरत हाल में है, इस कंडीशन में है कि इंडिया का मुकाबला कर सके? बिल्कुल पाकिस्तान जो है माशाल्लाह हमारे जो है आर्मी है और हमारे एटॉमिक जो सिस्टम है माशाल्लाह वो दुनिया के पावरफुल सिस्टम है, उसमें नो डाउट। बट जो हमारी हुकूमत है वो एक बिल्कुल कह लें कि आप ना होने के बराबर है, ये सिर्फ खाने अपने मतलब जेबों को भरने के लिए आए थे, अपने केसेस इन्होंने अपने माफ़ करवाने थे वो करवा लिए और इनका कोई चक्कर नहीं है। आपको लगता है कि ये दौर है कि असले के साथ जंग लड़ी जाए? बिल्कुल दौर नहीं है, क्योंकि अगर असले के साथ लड़ी जाती तो अमेरिका फिर आजकल असले से ही सारी दुनिया को कंट्रोल कर रहा होता, वो भी जो है डबल वार करता है मतलब एक अपने मतलब पैसे दे के या किसी को भी खरीद के वो वार कर रहा होता है, वो डायरेक्टली वॉर कभी भी नहीं कर रहा। अब मेरा ख्याल है कि इकॉनमी की जंग है, डेवलपमेंट की जंग है, आगे बढ़ने की जंग है और इंडिया इस जंग में हमसे जीत चुका हुआ है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इंडिया थोड़ा सा अफसोस समझ के आगे बढ़ रहा है, उनको पता है कि जंग करना पॉसिबल ही नहीं है, अगर जंग की तरफ जाएंगे तो इकोनॉमी डेफिनेटली डाउन जाएगी और इकोनॉमी के साथ उनके जो है हो सकता है कि उनके काफ़ी रकबा भी चला जाए अगर वो जंग की तरफ आते हैं, तो वो उन इस चीज़ का उनको सारा नॉलेज है इसलिए वो जंग की तरफ कभी भी नहीं आते, जस्ट एक अपना सियासी बयान वो दे रहे होते हैं बैक एंड पे, वो कभी भी जंग की तरफ। इंडिया की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट भी नहीं आई है, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से जो है दावे किए गए हैं। मुझे बताएं कि हम जो है अपनी सूरत हाल से निकलने के लिए हर चीज़ का मलबा इंडिया पे क्यों डाल देते हैं, हम कब तक ये ब्लेम गेम खेलते रहेंगे? इसमें मिस ये है कि क्या नाम है, जितने अगर वहाँ की हुकूमत हम देख लें और यहाँ की हुकूमत देख लें तो ये दोनों हुकूमतें जो है ना अपने सियासी हथकंडे मतलब कि अवाम की राय को साइड पर रख के अपनी सियासी मकासद के लिए ऐसे बयान जारी कर रहे होते हैं और बैक एंड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होता। सर शहबाज गवर्नमेंट ने ये दावा किया है कि हमें इंडिया की तरफ से जो है वो थ्रेट्स आ रहे हैं, हमें ख़तरा है कि कहीं इंडिया जो है हम पे महदूद फौजी कार्रवाई या फिर मुकम्मल जंग ना कर दे, क्या कहेंगे? इंडिया ऐसा क्यों करेगा, क्यों करना चाहेगा? असल में इंडिया नहीं करेगा क्योंकि ऐसा वैसा मसला कोई नहीं है, अब तो ये सब लोग जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट हैं मतलब हम समझते हैं, लेकिन ये एक बहाना कह सकते हैं आप इसको, ये ऐसी वैसी बात नहीं है कि इंडिया हमला करेगा, ये बहाना समझ लें इसमें है। किस चीज़ का बहाना? बहाना मतलब ये हमारे इधर इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शनों की वजह से आप कुछ भी कह सकते हैं कि जी आज ये हो रहा है, जी आज वो हो रहा है, जी ये पिछला मुआहदा इन्होंने ऐसा किया है, जी पिछला इन्होंने ये किया है। तो बात यह है कि अगर इन्होंने ये सब इनको ये लग रहा था ये झूठ है या फ्रॉड है तो इन्होंने ये उनसे गवर्नमेंट ना छीनते, उनको पूरा टाइम देते, वो अपनी टाइम के अंदर अपनी गवर्नमेंट बनाते चलाते, जब उनका टाइम ख़त्म हो जाता तो हम उनको समझते कि ये लोग ठीक नहीं हैं, हम किसी और रास्ते पे चल जाते, किसी और को चूज़ कर लेते। अब उनको भी इन्होंने टाइम पूरा नहीं दिया, ख़ुद भी इनसे मामला हल नहीं हो रहा है, महंगाई और टेंशनें और परेशानियाँ कुछ भी इनसे मैनेज नहीं हो रहा। तो सर हम हर चीज़ का मुद्दा जो है इंडिया पर उठा के क्यों डाल देते हैं? अगर हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते तो हम कोई और रास्ता निकाले ना, हमारी गवर्नमेंट कोई और रास्ता निकाले, हमें ये क्यों कह रहे हैं कि इंडिया की तरफ से हमें धमकाया जा रहा है, इंडिया की तरफ से हमें खतरा है, हमें ये खतरा है, हमें वो खतरा है, हम अपनी जंग खुद क्यों नहीं लड़ते, इंडिया पे क्यों डाल देते हैं हर चीज़? देखें ये बुजदिली है,
कि अपने दुश्मन को अपने अपनी वक्त के टाइम अपने दुश्मन को अपने ऊपर हैवी करने का ये बुजदली है। ये लफाज ही गलत हैं कि हमें इंडिया से ख़तरा है, हमें इंडिया से ये है, ये हमें ऐसे लफाज बोलने ही नहीं चाहिए। हमें जो अपने काम हैं, हमें वो अपने काम जिम्मेदारियाँ जो हैं वो करनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को भी जो है ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। अब रमज़ान का महीना था, क्या गवर्नमेंट ने किया कौम के लिए, वाम के लिए? वाम की तरबियत क्या कर रहे हैं ये? ठीक ना, ये कौम की तरबियत कर रहे हैं। लीडर की जो कोशिश होती है, कौम की तरबियत करना भी लीडर की कोशिश होती है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो ये पिछले इतने सालों से ये लगे हुए हैं, इन्होंने ना कौम की तरबियत की है, ना इन्होंने मुल्क की तरबियत की है, ना इन्होंने मुल्क को जो है ना उस लेवल पे लाए हैं जो हमारे से बाहर बाद में मुल्क आज़ाद हुए और वो तरक्की की जिन्होंने। ठीक है, तो ये शुबाज गवर्नमेंट मैं नहीं समझता कि ये मतलब मामला को चला सके। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल इंडिया की तरफ से हमें थ्रेट आए भी हैं और अगर इंडिया हम पर हमला करने का सोच भी रहा है, तो क्या हम इतनी कैपेसिटी रखते हैं, हमारी मौजूदा सूरत हाल ऐसी है कि हम इंडिया का जवाब दे सकें? देखिए, हमारी पाक फ़ौज जो है वो दुनिया में बहादुर मानी गई है। ठीक है, वो हमारी पाक फ़ौज जो है उसका सामना करेगी, उसको कवर करेगी। ये हमारे लीडरों को ये बातें जो है ना वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जब हमारी आर्मी है वो इतनी आर्मी हमारी वो मतलब दुनिया में मानी जाती नहीं है, मानी जाती है, तो हमें इस बात पे डरना डरना नहीं चाहिए। हमें अपने इलेक्शन कराने चाहिए, अपने मुल्क का जो सुकून जिसमें है हमें वो काम करने चाहिए। सर, यकीन करें, इंडिया के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए सोचने का हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि हमारे पास करने के लिए और बहुत सारे काम है, लेकिन हम हर चीज़ में इंडिया को घसीट के ले आते हैं, हर चीज़ का मलबा इंडिया पर डाल देते हैं। इलेक्शन नहीं करवाने, इंडिया पर डाल दिया, यहाँ पे कुछ हो गया, इंडिया पे डाल दिया। हम इंडिया इंडिया करते रहते और इंडिया देखें तरक्की की किस सीढ़ी पर आज खड़ा है। देखें जी, वो अपने काम कर रहे हैं, वो अपने काम कर रहे हैं, हम जो है ना वो चुगलीबाजी कर रहे हैं। ठीक है, बहाने बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हमें अपने काम करने चाहिए, हमें अपने काम ऐसे करने चाहिए, हमें अपने काम से पता चलना चाहिए कि हम जिम्मेदार आदमी हैं। ठीक, लेकिन हम हमारी जो गवर्नमेंट लेवल पर जो लोग हैं वो इतनी ज़िम्मेदारी से काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारा मुल्क और हमारे लोग जो हैं उनकी तरबियत भी अच्छी नहीं है। सर, मेरा ख्याल है कि ये जो जंगे हैं ना आज के दौर की, ये असले की जंग नहीं है, ये इकॉनमी की जंग है और इंडिया इस जंग में जीत चुका है। देखिए, दुनिया की पांचवी बड़ी इकॉनमी बन गया, तीसरी बनने के करीब है। जो जंग की बात है ना, जंग अब वो आपकी बात सही है कि अब दूसरी जंग है, अब ये हाथों वाली जंग नहीं है, ये नहीं होती। ये जंग वगैरह का जो है ना ये मसला नहीं है। अगर ये इंडिया करेगा तो और बहुत से मुल्क हैं, फिर ये सारे मुल्क ही करेंगे। ठीक है, ये जंग वाली बात नहीं है, जो सीरियस बात है उसको लेना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ जो वीडियो वो समाप्त होता है। एंड यार, ये बात कर रहे थे इंडिया, मतलब ये कुछ लोग इसमें बोले थे ना कि इंडिया नहीं, जंग नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो मैं उनको बताना चाहूंगा ना, अगर आप करेंगे ना तो हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। और आपको पता है कि हम लोग कितने, हमारी इंडियन आर्मी कैसी है, और वो आप मत भूलिएगा, 93,000 जो जिन्होंने सरेंडर किया था। ठीक है, तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते, मिलते हैं कौन वीडियो के साथ। वापिस, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।